आज मैं आपको कुछ ग्लोकोमा या फिर काला मोतिया के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहती हूँ। काला मोतिया देखे, जैसे कि आप लोग शायद सब जानते भी होंगे, इसमें आँखों का जो प्रेशर होता है ये आमतौर पर बढ़ जाता है। आँखों के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है या फिर एक्वस ह्यूमर कहते हैं उसे। जब ये आमतौर पर इसकी मात्रा 20 से कम होती है, अगर इसकी मात्रा 20 से ऊपर पहुंच जाती है तो ये आँखों का प्रेशर बढ़ा देती है, जिससे आँखों के नस में डैमेज होना शुरू कर देता है। जब ये नस डैमेज होनी शुरू हो जाती है तो इससे आँखों की रोशनी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। रोशनी कम हो जाती है, आँखों में दर्द होने लगता है या फिर सर में दर्द होने लगता है। इसका इलाज आमतौर पर बहुत अलग होता है सफ़ेद मोतिया से, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सफ़ेद मोतिया का इलाज तुरंत हो जाता है लेंस डाल के, और फिर मरीज अपने घर चला जाता है और कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत काला मोतिया में उसे बार बार दिखाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो एक बार जब दिखाने आता है नेत्र विशेषज्ञ को, तो उसके कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, जैसे कि उसका प्रेशर की जाँच होती है। फिर उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि कुछ आँख के पर्दे में दिक्कत है, तो फिर वो उसके ऊपर के कुछ जांच, जैसे कि पेरीमेट्री हो गया, OCT के कुछ जांचें होंगे, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ का क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए। उनके कुछ आँखों में डालने की दवाइयाँ देनी पड़ेंगी या फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मरीज़ को जानने के लिए कि उनको इस इलाज के लिए ज़रूर दिखाने आते रहें। जिन मरीज़ों की उम्र 40 वर्ष से अधिक है उन्हें आना चाहिए, या फिर जिनके परिवार में काला मोतिया संबंधित परेशानी है उन्हें दिखाना चाहिए, या जिनको शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड के मरीज़ हैं, या उन्हें हाथ पैरों नसों में दिक्कतें रहती हैं, माइग्रेन की समस्या है, ऐसे मरीज़ों को तो आमतौर पर थोड़ा जल्दी उम्र में भी दिखाते रहना चाहिए। इसके इलाज के दौरान जो चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयों को नियमित समय पर डालना चाहिए। ऐसे में अगर हो सके तो मरीज़ अपने साथ किसी रिश्तेदार या किसी घर के सदस्य को लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा है। उन्हें भी चिकित्सक द्वारा इलाज के बारे में बताया जाएगा। इस इलाज के बारे में यह जानना ज़रूरी होता है कि जो काला मोतिया से नज़र जा चुकी है वो वापस नहीं आती है। यह बहुत ज़रूरी है जानना कि एक बार जो उनकी रोशनी जा चुकी है नस के डैमेज होने से, वह वापस नहीं आती है। जो हम इलाज दवाइयाँ या फिर सर्जरी द्वारा करते हैं वो आगे की नस डैमेज ना हो उसके लिए ही किया जाता है। इसके द्वारा हम कुछ उनको दवाइयाँ देते हैं जिसे आई ड्रॉप्स कहते हैं काला मोतिया की। उस दवाइयों को डालने का भी तरीका होता है। अगर उन्हें वो सुबह और शाम दी गई हैं दवाइयाँ, तो ये मरीज़ को ध्यान रखना है या उनके साथ वाले को कि अगर वो जिस समय डाल रहे हैं वह हर दिन प्रतिदिन उसी समय डालें। मान लीजिए उन्हें कोई दवाई सुबह 8 बजे डालने के लिए दी गई है, तो यह ध्यान रहे कि वो प्रतिदिन उसे सुबह 8 बजे ही डालें। दूसरा, जो शरीर में दवाई का जो मात्रा होती है वह भी बनी रहती है। अगर वो थोड़ा आगे पीछे हो जाती है तो शरीर में प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि उनकी नस को डैमेज कर सकता है। तो यह बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में मैं यह भी बताना चाहूँगी कि अगर उनके साथ कोई सदस्य है परिवार का जो दवाई डाल रहे हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी दवाई डालें तो हाथ को पहले, हमेशा दवाई डालने से पहले साबुन एवं पानी से धो लें अच्छे से, फिर ड्रॉपर की शीशी खोलें और जो ड्रॉपर के ऊपरी मुख है उस पर अपना हाथ ना लगाएं, नहीं तो वो ड्रॉपर की जो शीशी है वो ख़राब हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसको नीचे से पकड़ के फिर मरीज़ की आँख में डालें। अगर वे सदस्य अकेले रहते हैं और खुद ही उनको अपना इलाज करना है, तो उन्हें इस बात का ध्यान देना है कि वह भी पहले तो हाथ साबुन से एवं पानी से धोएं ही, फिर उनको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। जो उनका उल्टा हाथ है उससे वो अपनी आँख के ऊपर की पलक को पकड़ेंगे, और जो दायाँ हाथ है उससे वो दवाई को डालेंगे। फिर आपको 2 मिनट के लिए बंद करके बैठ जाएंगे ताकि वो दवाई उनकी आँख में इकट्ठी होके अंदर घुल जाए। इन छोटी छोटी बातों का अगर वो ध्यान देंगे तो इससे उनका इलाज पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। किसी समय उनको लगता है कि वो आँखों में दर्द हो रहा है या लाली हो गई है या एकदम से दिखाई देना बंद हो गया है, तो वो उसी समय अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाने जाए और इलाज को बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि यह लंबा इलाज है और हो सकता है आजीवन भी चले। तो थोड़ा सा संयम रखें, बाकी सब हो जाता है।